हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप होंगे बहुत ही बढ़िया। मैं इस चैनल का होस्ट, आप लोगों का दोस्त अंकित, आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको जीवन देने वाली जीवनदायिनी गंगा नदी की कहानी बहुत ही अनोखी है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को गंगा नदी से प्रेम हो गया था। इसके बाद उन्होंने गंगा से शादी करने की इच्छा जताई थी। गंगा ने शांतनु से शादी करने की बात तो मान ली थी, लेकिन उनके सामने कुछ शर्त रखी थी। गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि वह किसी भी बात के लिए उन्हें रोकेंगे नहीं। अगर ऐसा होगा तो वह हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह करने के लिए उनकी यह शर्त मान ली थी। शादी के बाद गंगा की कोई भी संतान होती तो वह उसे पानी में बहा देती। इस तरह उन्होंने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया, लेकिन शर्त में बंधे होने की वजह से राजा शांतनु कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब गंगा की 8वीं संतान हुई तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने 8वीं संतान को पानी में बहाने से रोक लिया। राजा शांतनु ने ऐसा करके अपनी शर्त तो तोड़ दी थी। इसके बाद गंगा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, गंगा के जो 8वें पुत्र थे वो भीष्म पितामह थे। उन्होंने अपने पिता का दूसरा विवाह करवाया था और वह जिंदगी भर अविवाहित रहकर अपने वंश की रक्षा करते रहे। तो दोस्तों, आपको जीवन देने वाली गंगा नदी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।